नमस्कार, न्यूयॉर्क से मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश। अमेरिका की नौवीं यात्रा में नरेंद्र मोदी ने भारतवंशी मूल के लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत की ताकत जिस तरीके से विश्व में बढ़ रही है उसमें उनका योगदान बहुत ज्यादा है। भारतवंशियों के सम्मान में उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रदूत हैं और जब तक आप नहीं चाहेंगे देश विकसित नहीं हो पाएगा। पूरे विश्व में भारत की बढ़ रही स्वीकार्यता से लेकर कुछ पड़ोसी देश काफी परेशान हैं। जाहिर सी बात है कि क्वाड की बैठक में मोदी की बढ़ती कद और उनकी विश्वसनीयता को लेकर चीन भी परेशान है, और चीन परेशान क्यों ना हो, क्योंकि चीन भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिरोधी मानता है। भारत वंशियों को संबोधन। मोदी के विकास का विजन। पुष्प की नई परिभाषा। पीएम मोदी ने जगाई आशा। भारत को बताया पावर सेंटर। दुनिया मान रही लोहा। न्यूयॉर्क के नासे कॉलोसियम में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका और इंडिया आपस में सहयोग के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें भारतीय मूल के लोगों का काफी योगदान है। उन्होंने भारत को कहा कि वहां पे अवसर के बड़े सारे साधन हैं और लोगों से यह भी अपील की कि अवसर तलाशिए और लोगों को अवसर दीजिए। उन्होंने कहा कि भारत इस तरीके से विकसित हो रहा है कि कुछ समय बाद भारत अमेरिका में अपना मेड इन इंडिया चिप भी बेचेगा। उन्होंने एक एक करके सरकार की उपलब्धियां बताई और उसमें भारत मूल के अमेरिका में रह रहे लोगों से सहयोग भी मांगा। न्यूयॉर्क में भारत की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से न्यूयॉर्क में एक अलग ही शमा बांध दिया। हजारों की तादाद में पीएम मोदी को सुनने के लिए भारतवंशियों के साथ अमेरिका के लोग भी इकट्ठा हुए। ये मोदी की बनी ग्लोबल लीडरशिप का असर है। न्यूयॉर्क के नासार्ड कोलेजियम में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को पुष्प से जोड़ा। उन्होंने इसे नए सिरे से परिभाषित करते हुए कहा कि पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रॉस्परस भारत यानी पुष्प। पुष्प की पांच पंखुड़ियां मिलकर ही विकसित भारत बनाएंगी। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतना नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की पांच पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। न्यूयॉर्क के नासाऊ कोलेजियम में बड़ी संख्या में भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री को अपने राजनीतिक जीवन से लेकर विकसित भारत और प्रवासियों के बारे में बात की। बहुत ही सुंदर तरीके से बताए गए पीएम मोदी के इस पुष्प के अर्थ को सुनकर वहाँ मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। अपने इस पूरे संबोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के नासाऊ कोलेजियम पहुँचे, जहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। इस दौरान भारतीय मूल के लोगों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जब मैं सालों तक देश में भटकता रहा, जहां खाने को मिला खा लिया और जहां सोने को मिला सो लिया।
समंदर, पहाड़, रेगिस्तान, इन सब जगह को मैंने अपने जीवन के सफर के दौरान जाना और पहचाना। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी बार हमारी सरकार ने वापसी की और पिछले 60 सालों में भारत में ऐसा नहीं हुआ था। अपने तीसरे टर्म में हम बहुत बड़े लक्ष्य साधने के उद्देश्य से मैदान में हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ना है। तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है। और ऐसा पिछले 60 सालों में भारत में नहीं हुआ था। भारत की जनता ने ये जो नया मैंडेट दिया है उसके मायने बहुत है और बहुत बड़े भी हैं। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका को दुनिया का पावर सेंटर बताया और कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब अमेरिकन इंडियन है। पीएम ने आगे कहा, अमेरिकन इंडियन ये स्प्रिट है और यही तो दुनिया का एआई पावर है और यही एआई स्प्रिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। मैं भारतीय समुदाय को सैल्यूट करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संघर्ष है, तनाव है, तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ हैं। 2024 का ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संघर्ष है, तनाव है, तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं, भारत में हुए ये इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे। आप कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका की कुल आबादी से भी करीब 2 गुने वोटर्स, इतना ही नहीं पूरे यूरोप की कुल आबादी से ज्यादा वोटर्स, इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले। जब हम भारत की डेमोक्रेसी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है। मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी ने अर्थव्यवस्था को भारत की ताकत बताया और कहा कि भारत सबसे युवा देश है। उन्होंने लोगों से कहा कि विश्व के विनाश में भारत का कोई योगदान नहीं है, इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी फ्यूल, उस पर काम करें। उन्होंने लोगों को बताया और भरोसा दिलाया कि उनका अगर सहयोग रहेगा तो भारत जल्दी विकसित हो जाएगा, क्योंकि भारत की तरफ तमाम विकसित और विकासशील देश एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर सशक्त भारत की तस्वीर पेश की। भारत को अवसरों का देश बताते हुए पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया कि विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा और ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने भारतवंशियों को अपने देश पर गर्व करने की वजह गिनाते हुए कहा कि भारत अब पीछे चलने वाला देश नहीं है, बल्कि वो नई व्यवस्थाएं बनाता है और उसका नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अवसरों का एक लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। सिर्फ एक दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये इसलिए हुआ कि हमने पुरानी सोच बदली और अप्रोच बदली, हमने गरीब को सशक्त करने पर फोकस किया। भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। आप देखिए, सिर्फ एक दशक में ही, और ये बात आप सबको गर्व देगी, एक दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पिछले साल जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। इसके कुछ ही महीनों के बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया। अब तक भारत में ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी हैं। उन्होंने भारतवंशियों को इस बात का यकीन दिलाया कि अब वो दिन दूर नहीं रह गया है जब आप मेड इन इंडिया चिप यहाँ अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। समृद्ध भारत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में भारत का 5G का बाजार अमेरिका से भी बड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, इनोवेशन और इससे जुड़ी हर टेक्नोलॉजी का लॉन्चिंग पैड बन गया है। साथियों, भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चले। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। पिछले साल जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया। अब तक भारत में ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मोदी की स्वीकारिता और लीडरशिप को लोहा पूरा विश्व मान रहा है। उन्होंने इंडिया पैसिफिक में जिस तरीके से भारत की पहचान बनाई है और विश्व के स्तर पे उनके लीडरशिप की तारीफ हो रही है, उसके जिक्र करते हुए उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को कहा कि उनका योगदान भारत के निर्माण में किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि समुद्र की गहराई से भी ज्यादा उनके दिल में भारत होने की
और भारतीय होने की गहराई छिपी हुई है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही तीसरी हो जाएगी क्योंकि भारत सबसे युवा देश है। क्वाड में मोदी का जलवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और फिर क्वाड समिट में शरीक हुए। इस समिट में पीएम मोदी की साफ हनक दिखी जब सभी क्वाड लीडर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्वाड में शामिल तीनों देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। क्वाड मेंबर कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्षों ने इस बात को स्वीकार किया कि चीन से निपटने में भारत ही उनकी अगुवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत में चीन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड एक्टिव रहने के लिए बना है और यह किसी के खिलाफ नहीं है। बिना नाम लिए चीन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड के नेता नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान में खड़े हैं। पीएम मोदी ने अपनी एक लाइन से चीन को लेकर पूरी बैठक का टोन सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में संघर्ष चल रहा है और क्वाड हर संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। हिंद महासागर में भारत की नेवी लगातार एक्टिव है। हूती विद्रोहियों से जहाजों की सुरक्षा से लेकर हाईजेक जहाजों को डाकुओं से छुड़ाकर भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। क्वाड नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के अनुभव और नेतृत्व से बहुत कुछ सीखना है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर में एक बड़े ताकत के रूप में भारत की भूमिका पर जोर डाला। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का अंदाजा हो जाता है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के आयोजन के लिए पीएम मोदी की पहल की सराहना की और इस प्रयास के लिए जापान का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेलावेयर के ग्रीनविल स्थित अपने घर पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर बाइडेन पीएम मोदी का हाथ थामकर उन्हें घर के अंदर ले गए जहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच एक घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत हुई। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड का रोल काफी इम्पोर्टेंट होता है और क्वाड में भारत के बढ़ रहे महत्व से चीन परेशान है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सबको साथ मिलकर चलने की बात की और कहा कि साथ मिलकर देश को विकासशील से विकसित बनाया जा सकता है, जाहिर सी बात है कि यह सुनने के बाद चीन की नींद हराम हो गई है। और हो क्यों नहीं, क्योंकि समुद्री बिजनेस में क्वाड का बहुत महत्व है और भारत उस पर कैपिटलाइज करना चाहता है। क्वाड की बड़ी सफलताएं। क्वाड बीते 7 वर्षों में एक ठोस ताकत बन गया है। 2021 के बाद से कई क्वाड की क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में कई अहम उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी सफलताओं में से एक क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप रही है। इस पहल ने हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को कम करने में क्वाड की क्षमता को साबित करते हुए इंडो पैसिफिक देशों में वैक्सीन की लाखों खुराकें पहुंचाई। क्वाड का एक दूसरा अहम सहयोग बुनियादी ढांचे के विकास में है। क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप और केबल कनेक्टिविटी के जरिए गठबंधन क्षेत्रीय देशों को आर्थिक और सामाजिक विकास में अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है। तकनीक के क्षेत्र में क्वाड की सबसे बड़ी पहल पलाऊ में ओपन रैन पायलट प्रोजेक्ट है। इसका मकसद दूर संचार नेटवर्क में विविधता लाना है।
क्वाड का साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान है। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से क्वाड का साइबर सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप इंडो पैसिफिक देशों की साइबर सुरक्षा को यकीन बनाने पर गौर करता है। क्वाड समूह ने जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने, हरित ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने और डिजास्टर रिस्क को कम करने में भी सफलता दर्ज की है। क्वाड सैटेलाइट डेटा पोर्टल और क्यू चैंप का लॉन्च पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु लचीलेपन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्वाड कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मकसद इंडो पैसिफिक की स्थिरता और समृद्धि है। ये क्षेत्र रणनीतिक लिहाज से वर्ल्ड ट्रेड का अहम जरिया भी है। वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को कायम रखने के लिए ये बेहद जरूरी है कि इसे फ्री और इंक्लूसिव बनाए जाने की जरूरत है, और इसमें क्वाड की भूमिका अहम है। खासकर जिस तरह से चीन इस पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिशों में जुटा है, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि क्वाड को लेकर चीन हमेशा से टेंशन में रहता है। हालांकि वो अपनी हेकड़ी के चलते इसकी अहमियत को नकारता रहा है, लेकिन क्वाड की बढ़ती ताकत ने चीन की विस्तारवादी नीति पर पूर्ण विराम लगाता जा रहा है। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। हमारी पार्टनरशिप ग्लोबल गुड के लिए है। हम हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं और इसमें आपकी सहूलियत का भी ध्यान है। मैंने पिछले साल ये घोषणा की थी कि सिएटल में हमारी सरकार का नया कॉन्सुलेट खोलेगी। अब ये कॉन्सुलेट शुरू हो चुका है। मैंने दो और कॉन्सुलेट खोलने के लिए आपके सुझाव मांगे थे। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजेलस में दो नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। भारत और अमेरिका के रिश्ते आपस में काफी बेहतर हैं, इसीलिए भारत को अमेरिका काफी तवज्जो दे रहा है। और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जब दिल के दरवाजे खुल जाते हैं तो घर के दरवाजे स्वतः खुल जाते हैं, और बाइडेन ने तो घर का दरवाजा खोल दिया। इसका मतलब है कि भारत के लिए उनमें दिल में जगह है। जाहिर सी बात है कि भारत और अमेरिका के साथ आने से पूरा विश्व परेशान है, क्योंकि अगर ये दो महाशक्तियां आपस में मिल जाते हैं तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश विदेश के खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस।